बात करेंगे अब अगली खबर की। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर पुराने फैसले को रद्द करके कई राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी किए हैं कि वे स्वेच्छा से आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर सकते हैं। इसलिए वंचित व अनुसूचित जाति हरियाणा ने खट्टर सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये आग्रह भी किया है कि ये आरक्षण वर्गीकरण पढ़ाई के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी लागू करें। स्थानीय इजा रेस्टोरेंट में वंचित अनुसूचित जाति द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें प्रदेश स्तर के वंचित अनुसूचित जाति समाज के प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता वंचित व अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अजीत बडेसरा ने की। बता दें कि 2006 में वंचित व अनुसूचित जाति का आरक्षण वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 जजों की बेंच ने फैसला लिया है कि राज्य सरकार अब अपनी स्वेच्छा से आरक्षण का वर्गीकरण कर सकती है। वंचित अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अजीत बडेसरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति को आरक्षण देकर सराहनीय कदम उठाया है, इसका हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को वंचित अनुसूचित जाति हरियाणा प्रदेश की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी को राम राम। आज का हमारा प्रोग्राम जिस प्रकार से गत 14 वर्षों से अनुसूचित जातियों में आरक्षण को लेकर के लंबी लड़ाई रही है, धरने के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, गोलियां भी चली हैं, लाठियां भी खाई हैं, सड़कों पर भी चले हैं, और वो हमारे को उसमें सफलता हासिल नहीं हुई। हम लोग अब जो इतना संघर्ष करने के बाद वर्तमान हरियाणा सरकार ने डिक्लेयर्ड शेड्यूल्ड कास्ट हरियाणा और ऑल इंडिया के आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों के बेंच बनाकर के फैसला दिया है कि मुख्यमंत्री स्टेट का, वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, स्वेच्छा से वंचित जातियों को आरक्षण दे सकता है। आज के प्रोग्राम में हरियाणा प्रदेश की वंचित जातियों के माध्यम से हरियाणा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर,